अपने दोस्तों को मैच मेकर्स बनते देखा तो जरूर होगा। अपने उन आंटीज के बारे में भी जरूर सुना होगा जो आपके या आपके किसी करीबी रिश्तेदार की जोड़ी बनाने में पूरी कोशिश करती है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि कुछ ऐसा ही हो रहा है हमारे टेली टाउन में? वेल, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर टेली टाउन में कौन मैच मेकर बन चुका है। तो भाई आपको बता देते हैं कि ये मैच मेकर कोई और नहीं बल्कि आपके चहेते टीवी शोज ही है जो आपके फेवरेट एक्टर्स को उनके रियल लाइफ में भी क्लोज ला रहा है। कैसे, तो आइए जानते हैं टेली मसाला की स्पेशल रिपोर्ट में। रवीश देसाई, मुग्धा चापेकर। मुग्धा और रवीश की मुलाकात जी टीवी के शो सतरंगी ससुराल के ऑन सेट्स पर हुई। दोनों की ऑन स्क्रीन जोड़ी को काफी पसंद किया गया, लेकिन किसे पता था कि ये दोनों रियल लाइफ में भी लव बर्ड्स बन जाएंगे। और फिर दोनों ने शादी कर ली 14 दिसंबर 2016 के दिन। विवेक दहिया, दिव्यांका त्रिपाठी। शरद मल्होत्रा से ब्रेकअप के बाद दिव्यांका एकदम टूट गई थी। इस दौरान विवेक ने दिव्यांका का काफी साथ दिया था। दोनों सीरियल ये है मोहब्बते के सेट पर मिले, जिसके बाद मुलाकातों का सिलसिला चल पड़ा और दोनों कब एक दूसरे को दिल दे बैठे उन्हें मालूम ही नहीं चला। वहीं दोनों ने 16 जनवरी 2016 के दिन शादी कर ली। वेल, ये तो हुई एक और लव स्टोरी जिसकी शुरुआत हुई थी ऑन सेट्स के दौरान। करण सिंह ग्रोवर एंड जेनिफर विंगेट। करण सिंह ग्रोवर और जेनिफर विंगेट की पहली मुलाकात हुई कसौटी जिंदगी के सेट पर, लेकिन तब इनकी सिर्फ दोस्ती हुई थी, जिसके बाद इनकी मुलाकात दिल मिल गए के सेट्स पर हुई। लेकिन जेनिफर का ऐसा जादू छाया करण पर कि करण ने श्रद्धा से एक साल के अंदर डिवोर्स ले लिया, जिसके बाद करण और जेनिफर ने बिना सोचे समझे जल्द ही शादी कर ली। इन दोनों ने क्रिश्चियन वेडिंग की 9 अप्रैल 2012 को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन दोनों की लव स्टोरी भी ज्यादा टाइम तक टिक नहीं पाई और इन दोनों ने साल 2016 में एक दूसरे को डिवोर्स दे दिया। धीरज धूपर एंड विनी अरोरा। दिल्ली से आए धीरज धूपर को कहां पता था कि उनके पहले ही सीरियल में उन्हें उनकी जीवन साथी मिल जाएगी। सोनी टीवी के शो माता पिता के चरणों में स्वर्ग है की शूटिंग के दौरान धीरज ने पहली बार विनी अरोरा को देखा। वही अगर विनी की माने तो धीरज की एंट्री ना सिर्फ शो में हुई थी बल्कि उनके दिल में भी हो गई थी। वही एक दूसरे को 6 साल तक डेट करने के बाद दोनों ने 16 नवंबर 2016 को शादी कर ली। शिवांगी जोशी एंड मोहसिन खान। टीवी के मशहूर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में नजर आ रही कार्तिक और नायरा की जोड़ी को हर कोई पसंद करता है। बताया ये भी जाता है कि सेट पर ही दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था शूटिंग के दौरान, लेकिन दोनों ने खुलकर अपने प्यार का इजहार कभी नहीं किया। अब इन दोनों के रिश्ते ठीक है या नहीं ये तो सिर्फ शिवांगी और मोहसिन ही जानते हैं, लेकिन इनकी नोकझोंक सभी को खूब पसंद है। आशा नेगी एंड ऋत्विक धनजानी। आशा नेगी और ऋत्विक धनजानी की पहली मुलाकात हुई जी टीवी के फेमस शो पवित्र रिश्ता के सेट पर। इन दोनों का प्यार भले ही लव एट फर्स्ट साइट वाला प्यार नहीं था, लेकिन दोनों को साथ काम करते करते एक दूसरे के लिए फीलिंग्स आ गई। वही साल 2013 में दोनों ने अपने रिलेशनशिप को पब्लिक कर दिया। इस दौरान दोनों की शादी की भी अफवाहें सामने आई, लेकिन दोनों ने इस बात से इनकार कर दिया। लेकिन फिर हाल ही में दोनों के ब्रेकअप की खबर ने सुर्खियां बना दी। सिद्धार्थ शुक्ला एंड रश्मि देसाई। कलर्स टीवी के शो दिल से दिल तक में हुई रश्मि और सिद्धार्थ की पहली मुलाकात। दोनों की केमिस्ट्री को ऑन स्क्रीन काफी पसंद किया गया। वहीं इन सबके बीच इन दोनों के रियल लाइफ में लिंकअप की बातें सामने आने लगी थी साल 2016 में। उसी दौरान रश्मि ने सिद्धार्थ को अपनी माँ से भी मिलवाया, लेकिन इन 2 सालों में इन दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ कि इन दोनों को अलग होना पड़ा ये बात तो कोई नहीं जानता। वहीं बिग बॉस के घर में दोनों की नोकझोंक वाली केमिस्ट्री सभी को काफी पसंद आई। और तो और अब भले ही इनके बीच कुछ ना हो, लेकिन इनके फैंस ने इन्हें #सिड्रा का टैग दिया है। आसिम रियाज एंड हिमांशी खुराना। इन दोनों की लव स्टोरी ने दर्शकों को खूब लुभाया। आसिम बिग बॉस 13 के घर में ऑलरेडी थे, जहां ना सिर्फ बिग बॉस के घर में बल्कि आसिम के दिल में भी हुई हिमांशी खुराना की वाइल्ड कार्ड एंट्री। आपको बता दे ये जोड़ी घर में ही नहीं बाहर भी काफी ट्रेंड कर रही है #आसिमआंशी के नाम से। वेल, अभी तो ये एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, लेकिन किसे पता इनकी लव स्टोरी कहाँ तक जाएगी। पारस छाबरा और माहिरा शर्मा। वहीं बिग बॉस 13 के घर में ही पारस छाबरा और माहिरा शर्मा की जोड़ी ने भी काफी पॉपुलैरिटी हासिल की।
दोनों ने घर में खुलकर प्यार नहीं जताया, लेकिन जरूरत पड़ने पर दोनों ने एक दूसरे का जमकर साथ दिया। इतना ही नहीं, घर के बाहर भी दोनों का ये बॉन्ड बरकरार है। इतना ही नहीं, दोनों ने एक म्यूजिक वीडियो में भी साथ काम किया। इसी वजह से पारस का आकांक्षा से ब्रेकअप भी हो गया। करण कुंद्रा एंड कृतिका कामरा। सीरियल कितनी मोहब्बत है की जोड़ी करण कुंद्रा और कृतिका कामरा को आज भी फैंस उतना ही पसंद करते हैं। सीरियल के शूट के दौरान दोनों असल जिंदगी में भी एक दूसरे से प्यार कर बैठे। ये बात साल 2009 की है, जब दोनों के लिंकअप की बातें भी सामने आने लगी, लेकिन फिर उनकी राहें जुदा हो गई। ये दोनों साल 2011 में एक दूसरे से अलग हो गए। वही अब एक बार फिर से करण कुंद्रा और कृतिका कामरा साथ नजर आए एक लाइव चैट के दौरान, जिससे सभी को एक बार फिर उम्मीद जाग चुकी है कि शायद ये दोनों एक हो जाए। वेल, तो व्यूवर्स, आपको हमारा ये स्पेशल सेगमेंट कैसा लगा? पोस्ट करिए अपनी राय। तब तक देखते रहे टेली मसाला।